हेलो फ्रेंड्स, मैं सागरिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जायका विद ट्विस्ट में। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और टेस्टी पोटैटो चीज़ बॉल। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को टैप ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियोस आगे भी आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू और उसको अच्छे से मैश कर लिया। कॉर्नफ्लोर, मोज़ेला चीज़, 1 मीडियम साइज प्याज और उसको बारीक चॉप कर लिया, नमक, चाट मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ धनिया, काली मिर्च पाउडर और तेल। सबसे पहले हम चीज़ बॉल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और जब तक तेल गर्म हो रहा है हम बना लेते हैं हमारी चीज़ बॉल्स। उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 3 उबले हुए आलू जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह अरारोट का यूज़ कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, कटा हुआ धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा चीज़, मैं यहाँ मोज़ेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा आलू का मिश्रण अपने हाथ में लूँगी और उसे इस तरह से टिक्की की तरह प्रेस करते हुए इसके बीच में चीज़ की फिलिंग कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको एक बॉल का शेप दे दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी और उसके बाद मैं इस पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर दूंगी। ठीक इसी तरह से मैं बाकी की बॉल्स भी बना लूंगी। आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ बॉल्स तैयार हैं। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें हमारी चीज़ बॉल्स को डीप फ्राई कर लेंगे। हम इसे हल्का गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ बॉल्स हल्की हल्की गोल्डन हो गई हैं तो अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारी सारी चीज़ बॉल्स तैयार हैं, तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कितनी आसानी से और झटपट बन गई हमारी चीज़ बॉल्स। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।